Assalamu alaikum everyone, I hope all are doing great. So today I'm sharing with you guys another review about Pond's products. So first of all please do subscribe to my channel for upcoming latest videos. अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करूंगी मोस्ट हाइप प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहे हैं, पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर्स। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, इसकी प्रॉपर डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यूजेस, बेनिफिट एक्सेट्रा। पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर अच्छे भी होते हैं, अफोर्डेबल होने के साथ साथ, और डिफरेंट स्किन टाइप पर सुटेबल भी हो जाते हैं, लाइट वेट भी होते हैं। सीजन कोई सा भी हो, बट पॉन्ड्स के प्रोडक्ट को परचेज करना, यूज करना तो मस्ट है। फिर मैंने भी इसको Daraz.pk से ऑर्डर किया, आप लोग Daraz से परचेज कर सकते हो। Daraz मॉल पे पॉन्ड्स का ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर है, यू कैन इजिली परचेज, रेट सेल लगती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समर सीजन में किसी को ये मॉइस्चराइजर सुटेबल नहीं हुए, बट विंटर में आप लोग इसे ट्रस्ट में यूज करो, विंटर के लिए बेस्ट है प्रोडक्ट, क्योंकि विंटर में स्किन को हाइड्रेटिंग रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, तो फर्स्ट मेरे पास है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन। पीछे जो इसके तमाम डिटेल बैक पे मौजूद है, 75 ग्राम इसमें आता है। रियल प्राइजेस इसकी 320 है, और मुझे सेल प्राइजेस में, मैंने इसको Daraz से परचेज किया था 300 की प्राइस में। आप इसे ओपन करने के बाद इजिली 2 ईयर्स तक यूज कर सकते हो। अच्छा जी, तो इसकी वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है, जो कि इजीली क्विकली स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो डर्माइक मॉइस्चराइजर की तरह लग रही है, जो कि इजीली क्विकली स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है। अच्छा जी, तो पीछे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, मेन जो है वो विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, ग्लोइंग योर स्किन, हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करेगी ग्लिसरीन, नियासिनामाइड है, ब्राइटन अप योर स्किन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि नॉर्मली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता है, डाइमेथकॉन है, जिंक ऑक्साइड है, सन डैमेज से प्रोडक्शन देगा, इसमें अल्कोहल है, परफ्यूम है, मिनरल ऑयल है। अच्छा जी, तो खराब इंग्रेडिएंट आ गया मिनरल ऑयल, जो कि कमेंडोजेनिक इंग्रेडिएंट होता है, जिससे आपको ब्रेकआउट्स होते हैं और अच्छा नहीं होता ऑयली एक्नी प्रॉन सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर किसी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई भी ऑयल ऐड हो जाए, लाइक जो वो ऑयल, नट ऑयल, वॉलनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, मिनरल ऑयल, इस किस्म का कोई सा भी इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाए, अल्कोहल ऐड हो जाए, तो वो अच्छा नहीं होता ऑयली एक्नी प्रॉन सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि इट्स अ कमेंडोजेनिक इंग्रेडिएंट, आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेकआउट्स हों। अच्छा जी, तो सेकंड है मेरे पास पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, नॉन स्टिकी फ्रेश फील। इंग्रेडिएंट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कम है पहले के बनिस्बत। इसमें आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है, एंड द अदर साइड इसकी क्लेम्स, यूजेस, वार्निंग्स वगैरह इधर लिखे हुए हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट इरिटेशन करे तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन स्टिकी, नॉन क्रीसी है, सुपर लाइट वेट है, और आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा 28 आवर्स तक। सर इसके प्राइजेस मैंशन किए हुए हैं, और आप इस प्रोडक्ट को ईजिली 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो इसकी हेल्प से इसको सिक्योर किया हुआ है, इसकी वाटर बेस्ड जेल कंसिस्टेंसी है, जो कि इजीली क्विकली स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है और आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इसके मिलर लगता है मुझे ये न्यूट्रीजीना के हाइड्रो बूस्ट से। इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, परफ्यूम है, इसमें विटामिन ई है, हाइलोरोनिक एसिड है, विच इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो कमाल के हैं। इसमें अल्कोहल नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी बेस्ट है ऑयली प्लस एक्नी प्रॉन प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉर्मल टू ऑयली के लिए तो ऑलरेडी ये बेस्ट है ऑल सीजन में। अच्छा, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई दी ऑर्डिनरी सीरम के बाद इसको यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा थिक मॉइस्चराइजर्स चाहिए होते हैं। यानी कि सीरम इतना महंगा ले लिया और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर ले लिया, उनके लिए थोड़ा और हार्ड आपको मॉइस्चराइजर चाहिए होगा, वरना अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है तो उनको थोड़ी बहुत ईचिंग होना उसको शुरू हो जाएगी। पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर में आपको नॉन ऑयली मैंशन हुआ वो नज़र तो आ रहा होगा, बट इसमें ऑयल इंक्लूड है। यही वजह है कि ये मेरी स्किन पर इतना लाइट वेट होने के बावजूद सुटेबल नहीं हो पाया, और ऑनेस्टली मुझे ब्रेकआउट्स होने लग गए इसको यूज़ करने से। बट अगर किसी की नॉर्मल टू ऑयली स्किन है और उन्हें पिंपल का भी इशू नहीं है, तो लाइट मॉइस्चराइजर पॉन्ड्स का उनके लिए बेस्ट है। मेरी स्किन टाइप है ऑयली एक्नी प्रॉन प्लस सेंसिटिव, जिसपे ज्यादातर ऑयल फ्री प्रोडक्ट सुटेबल हो पाते हैं, बट नॉर्मल टू ऑयली या टीनेजर्स और बिगिनर्स ने इनको यूज करा तो उनपे अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट। सेकंड, मैंने अपने लिए पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर परचेज किया, और ये मुझ पर इतना अच्छा सुटेबल हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो इसकी सेकंड जार भी ऑर्डर कर दी है, क्योंकि ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है और जेल बेस्ड प्रोडक्ट ऑयली एक्नी प्रॉन प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, सो दैट्स आई एम यूजिंग इट। और हाँ, आप इसे अपने मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हो, अपने मेकअप को डूई फिनिश देने के लिए अपनी बीबी क्रीम में ऐड करके आप इसे यूज कर लो। इसे टीनेजर्स, बॉयज एंड गर्ल्स एंड मैन एज वेल एज वुमेन इजीली यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स की पीएच टेस्टिंग वीडियो देखनी है, तो मेरी शॉर्ट फीड में इन दोनों प्रोडक्ट्स की ऑल द डिटेल्स इन 1 मिनट में शेयर की हुई है, प्लीज डू चेक इट आउट। और जो कुछ पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके अलावा मैं अपना इंस्टा हैंडल इधर अटैच कर दूंगी, आप चाहो तो मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। होप यू लाइक ऑल द डिटेल्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।